हेलो माय डियर फ्रेंड, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट इकोनॉमी। हम देखेंगे इसमें कि किसी भी इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे डिफरेंट सेक्टर के बीच होता है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे टू सेक्टर के बीच कैसे इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है, फिर इसमें फाइनेंशियल मार्केट को इंक्लूड करेंगे, फिर उसके बाद हम गवर्नमेंट को इंक्लूड करेंगे, एट इन लास्ट हम एक्सटर्नल सेक्टर को इंक्लूड करके पूरा ओवरऑल इनकम का सर्कुलर फ्लो देखेंगे कि किसी भी इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। और ये जो टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, आपको जैसे कि पता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं पहले टू सेक्टर में कैसे इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है। क्योंकि हमने पहले ही आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी इकोनॉमी में फोर सेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे हम जनरली सिर्फ टू सेक्टर्स लेंगे, एक हाउसहोल्ड एंड एक जो सेकेंड होगा वो प्रोड्यूसिंग यूनिट इट मीन्स फॉर्म के रूप में लेंगे। तो इसके बीच हम देखते हैं कैसे रिलेशनशिप बनते हैं इनकम के। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट इकोनॉमी। तो इसमें पहला हम देख रहे हैं सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी और टू सेक्टर इकोनॉमी। ये बिल्कुल सिंपल इकोनॉमी है, यहाँ कोई थर्ड सेक्टर नहीं फोर्थ सेक्टर इन्वॉल्व है और नहीं फाइनेंशियल मार्केट इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो हम देखते हैं इसमें, क्योंकि हमने इससे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपको सबसे पहले कि वहां पे दो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक आपका रियल फ्लो था जिसे हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, उसमें हमने बताया था कि हम इट मींस हाउसहोल्ड जो होता है वो क्या प्रोवाइड कराता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है किसे, फॉर्म को। ठीक है, तो जो हाउसहोल्ड है वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करा रहा है फॉर्म को, इसके एवज में फॉर्म क्या देता है हमें, हाउसहोल्ड को क्या प्रोवाइड कराता है, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ इनकम का कोई रोल नहीं है, मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ आपका रियल फ्लो था। जब मनी फ्लो में हम देखते हैं तो मनी फ्लो का ये कॉन्सेप्ट था कि जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है जब भी कोई प्रोडक्शन करती है तो उससे कुछ इनकम जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती जो अपने वो फैक्टर सर्विसेज जो भी उनको अवेलेबल कराते हैं उनमें वो डिवाइड कर देती है। तो जो फॉर्म है जो इसको कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करती है तो फिर इसके पास जो भी प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, इन फैक्टर सर्विसेज की वजह से होता है। और फैक्टर सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है, हाउसहोल्ड। तो ये फैक्टर सर्विस लेकर कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करती है तो उसको वो एज अ फैक्टर पेमेंट के रूप में कर देती है। तो इसमें भी हमने बताया था पेमेंट के रूप में क्या आपको मिल जाता है, रेंट मिल जाता है एंड लैंड का रेंट मिल जाता है, लेबर को क्या मिल जाता है, वेजेस मिल जाता है एंड कैपिटल के रूप में आपको क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है एंड जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसे क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। ये हो गया, ये एज अ मनी फ्लो में हमने पढ़ा था कि कोई भी फॉर्म कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करती है जिसकी वजह से वो क्या करती है, जो प्रोडक्शन हुआ है जो फॉर्म को इनकम होता है वो एज अ फैक्टर पेमेंट के रूप में रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में वो ट्रांसफर कर देती है हाउसहोल्ड को, और हाउसहोल्ड क्या करता है उस पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो इस तरह आपका ये सिंपल इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है जब टू सेक्टर हम लेते हैं, बाकी सब कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे हमने सिर्फ टू सेक्टर्स को लिया है और वहां पे इनकम का सर्कुलर फ्लो देखा है। ठीक है, तो पहले तो हमने देखा कि फैक्टर सर्विस जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर सर्विसेज अवेलेबल कराती है फॉर्म को, इसके एवज में फॉर्म हमें क्या प्रोवाइड कराता है, गुड्स और सर्विसेज, या इनकम का कोई रोल नहीं है। एंड जब मनी फ्लो में हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि फॉर्म कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करती तो उसके एवज में हमें क्या पेमेंट करती है,
जो फैक्टर सर्विसेज उसने लिया है हाउस होल्ड से, उसके अवेज में वो पेमेंट करती है रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में, और ये जो पेमेंट है वो हाउस होल्ड की क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। इट मीन्स हाउस होल्ड मीन्स हमारी इनकम बन जाती है, और उस इनकम को हम क्या करते हैं अपनी जरूरत की चीजों पे, अपने गुड्स और सर्विसेज पे हम क्या करते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये तो हुआ आपका सिंपल इकोनॉमी में, सिंपल इकोनॉमी इट मीन्स टू सेक्टर इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। अब देखते हैं हम कि इसमें फाइनेंशियल मार्केट को इंक्लूड करते हैं तब इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, देख लेते हैं उसे भी। तो अभी हमने देखा इसमें कि सिंपल इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है जब टू सेक्टर्स होते हैं या कोई एनवायरमेंट नहीं होता, लेकिन अब देखेंगे सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट, जब फाइनेंशियल मार्केट को हम इंक्लूड कर देते हैं तब इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, कैसे फ्लो होता है। तो ये तो आपने ऑलरेडी समझ लिया है पहले से ही, अब देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट का हाउस होल्ड से क्या रिलेशन बनता है, फिर उसके बाद देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट का फर्म के साथ कैसा रिलेशनशिप बनता है। तो जनरली हम देखते हैं हमारी जो भी इनकम होती है, जो पेमेंट हो रही है हमको, जो हाउस होल्ड की जो इनकम होती है वो हम क्या करते हैं, या तो अगर सिंपल इकोनॉमी होगी वहां कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं है तो वहां हम ये मान लेते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर कर देते हैं, कोई सेविंग नहीं करते। लेकिन जब फाइनेंशियल मार्केट किसी भी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वहां हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड क्या करता है अपने टोटल इनकम का कुछ परसेंट तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर देता है एंड कुछ परसेंट वो क्या करता है सेविंग करता है फाइनेंशियल मार्केट में। सेविंग हो गई, एंड कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि जो आपका हाउस होल्ड है वो सिर्फ सेविंग करता है, लेकिन जनरली क्या है अगर ये बोरोइंग भी करता है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए पहले कहीं कहीं कंफ्यूज होता है किसी बुक में सिर्फ सेविंग दिया होता है, कहीं कहीं आपको सेविंग एंड बोरोइंग दोनों दिया होता है। जनरली क्या है कि यहाँ पे जो लॉजिक है वो ये है, सिंपल लॉजिक कि अगर कोई भी हाउस होल्ड अगर बोरोइंग कर रहा है तो अगर वो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए बोरोइंग कर रहा है तो वो फॉर्म में इंक्लूड होता है, लेकिन कभी कभी वो जो हाउस होल्ड है वो बोरोइंग सिर्फ अपने कंजप्शन, जैसे कि एज अ होम लोन देख लीजिए, लोग घर बनवाने के लिए लोन लेते, एजुकेशनल लोन होता है बैंक से लेते या अपनी पढ़ाई के लिए लेते, यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन अपने कंजप्शन के लिए हो रहा है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ दोनों रिलेशनशिप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इनकम का सर्कुलर फ्लो देख रहे हैं, जो सेक्टर से उनके बीच कैसे रिलेशनशिप होते हैं। तो सेविंग एंड बोरोइंग दोनों होते हैं, सेम फॉर्म के साथ, फॉर्म क्या करता है अपनी सेविंग को यहां पे इंक्लूड करता है, फॉर्म के पास भी जो एक्स्ट्रा इनकम होती है जो सेविंग होती है वो फाइनेंशियल मार्केट में क्या करता है जमा करता है, सेविंग एंड ये फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग भी करता है, तो ये रिलेशनशिप होते हैं हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच। हाउस होल्ड अपने एक्स्ट्रा इनकम को यहां पे सेविंग भी करता है फाइनेंशियल मार्केट में, एंड फाइनेंशियल मार्केट से आपका बोरोइंग भी करता है, जैसे कि लोन भी लेता है। तो यहाँ पे वो सिंपल लॉजिक है, कहीं कहीं आपको सिर्फ सेविंग मिलेगा तो वहां डाउट मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ इनकम का सर्कुलर फ्लो देख रहे हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्या किस तरह के रिलेशनशिप बनते हैं हाउस होल्ड फर्म फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट एंड फर्म के बीच, हमें बस ये समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, यहाँ सेविंग भी करता है अपनी एक्स्ट्रा इनकम को, और फाइनेंशियल मार्केट से जो फॉर्म होता है वो बोरोइंग भी करता है, दोनों रिलेशनशिप होते हैं। तो इस तरह हमने समझा कि सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। अब हम देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर जो इंक्लूड होगा यहाँ पे आपका वो गवर्नमेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं,
अब हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। तो जो थर्ड सेक्टर इंक्लूड हो रहा है आपका वो एज अ गवर्नमेंट है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ कैसा रिलेशनशिप बनता है एंड फॉर्म के साथ एंड आपका फाइनेंशियल मार्केट के साथ। तो इसको देख लेते हैं एक बार कि गवर्नमेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप बनता है। तो ये तो बेसिक चीजें आप जान ही रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म का और हाउस होल्ड का रिलेशनशिप ये हमने पढ़ लिया है, ये नीचे लिखा है। एंड हाउस होल्ड और फॉर्म के बीच में ये डिपोजिट एंड बोरोविंग, फिर ये यहाँ पे भी डिपोजिट एंड बोरोविंग का जो रिलेशनशिप है वो है सिंपल। एंड अब हमें देखना है गवर्नमेंट के साथ हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट का फॉर्म के साथ फाइनेंशियल मार्केट के साथ एंड गवर्नमेंट का फॉर्म के साथ कैसा रिलेशनशिप बनता है। तो देखते हैं पहले हाउस होल्ड के साथ। तो गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इट मीन गवर्नमेंट क्या देती है हाउस होल्ड को, प्रोवाइड कराती है फैक्टर पेमेंट। सबसे पहले फैक्टर पेमेंट, क्यों क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज करते हैं, इट मीन गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं, तो वो उसके एवज में गवर्नमेंट उनको पेमेंट करती है, इतनी सैलरी देती है, उसे हम फैक्टर पेमेंट करते हैं। फैक्टर पेमेंट मतलब वो पेमेंट जिसके एवज में आपने वर्क किया है, कोई वर्क या कोई सर्विस दी है उसके एवज में फैक्टर पेमेंट होता है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को करती है, जिसे हम फैक्टर पेमेंट कहते हैं। एंड ये फैक्टर पेमेंट हो गया, और गवर्नमेंट क्या अवेलेबल कराती है हाउस होल्ड को बताइए फटाफट से, ट्रांसफर पेमेंट करती है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होता है जिसके एवज में आप कोई भी सर्विस नहीं देते हैं, उसे आप ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। लाइक एज एग्जांपल, आपने कोई भी सर्विस नहीं दी, ये जो इनकम है वो गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट अपनी इनकम आपको ट्रांसफर कर रही है, तो इसलिए उस तरह की इनकम, गवर्नमेंट अपनी इनकम आपको ट्रांसफर कर रही है एज अ स्कॉलरशिप के रूप में, एज अ सब्सिडी के रूप में, तो उस तरह की इनकम को आप ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट और क्या देती है आपको, ट्रांसफर पेमेंट करती है। और हम गवर्नमेंट को क्या अवेलेबल दे, गवर्नमेंट को हम क्या देते हैं, तो हम गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करते हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करते हैं। एंड गवर्नमेंट का फॉर्म के साथ गवर्नमेंट अपनी इनकम को कहां जमा करती है, फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉजिट करती है, ये डिपॉजिट है और ये गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट से बोरोविंग भी करती है, ठीक है, बोरोविंग भी करती है। चूंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट का जो बैंक है उसे हम आरबीआई के रूप में जानते हैं, जहां से गवर्नमेंट अपने इनकम को, मैक्सिमम इनकम को डिपॉजिट भी करती है आरबीआई में, और अपनी जरूरत पड़ने पे आरबीआई से एज अ लोन के रूप में बहुत बड़ी रकम भी लेती है। तो ये गवर्नमेंट का फाइनेंशियल मार्केट के साथ डिपॉजिट एंड बोरोइंग दोनों तरह का रिलेशनशिप बनता है। फिर हम गवर्नमेंट का फॉर्म के साथ देखते हैं क्या रिलेशनशिप बनता है। तो गवर्नमेंट फॉर्म को क्या देती है, पहले पहले ये देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट जो है फॉर्म को पेमेंट करती है किसके लिए, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बहुत तरह के गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं गवर्नमेंट उसे परचेस करती है, उसकी एवज में गवर्नमेंट फॉर्म को भी पेमेंट करती है, उस पेमेंट को आप कहते हैं पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और क्या पेमेंट करती है गवर्नमेंट, फॉर्म को क्या अवेलेबल कराती है, तो इसके लिए सेकेंड आप देखेंगे बहुत तरह की गवर्नमेंट फॉर्म को सब्सिडी भी देती है, सब्सिडी
आपको देती है ट्रांसफर पेमेंट, हाउस होल्ड को क्या करती है, ट्रांसफर पेमेंट करती है और फॉर्म को बहुत तरह की सब्सिडी अवेलेबल कराती है। और इसके बीच में फॉर्म गवर्नमेंट को क्या देता है, तो फॉर्म भी गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करता है। तो ये रिलेशनशिप बने गवर्नमेंट और फॉर्म के बीच में। इस तरह हमने थ्री सेक्टर इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो देखा कि कैसे सर्कुलेट होता है इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। तो अगर मुझे नहीं लगता इस पूरे टॉपिक में अभी आपको कोई डाउट होगा। अब हम देखते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी में कैसे इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो इन फोर सेक्टर इकोनॉमी। जो फोर्थ सेक्टर आपका इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे वो फॉरेन सेक्टर हो रहा है। तो हम देखेंगे कि फॉरेन सेक्टर का हाउसहोल्ड के साथ कैसा रिलेशनशिप है एंड फॉरेन सेक्टर का फर्म के साथ कैसा रिलेशनशिप बनता है। तो जो फॉरेन सेक्टर सबसे पहले हमें पेमेंट करता है, बहुत सारे लोग इंडिया में फॉरेन में जाके सर्विस देते हैं, सर्विस करते हैं, तो उसके एवज में फॉरेन मतलब किसी भी कंट्री, फॉरेन सेक्टर इट मीन्स अपनी इंडिया को छोड़कर अदर कंट्री में कहीं पे भी, तो वहां से बहुत सारे लोग सर्विस करते हैं, उसके एवज में हमें क्या मिलता है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। हम जो सर्विस देते हैं फॉरेन सेक्टर को, उसके एवज में वो हमें पेमेंट करता है एंड और भी कई तरह के हाउस होल्ड को वो फॉरेन सेक्टर पेमेंट करता है, जैसे हम नेट ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। और हम क्या पेमेंट करते हैं फॉरेन सेक्टर को, बहुत सारे हाउस होल्ड ऐसे हैं, कंज्यूमर ऐसे हैं जो फॉरेन से चीजें ऑनलाइन खरीदते हैं, उसके एवज में वो पेमेंट करते हैं, तो जिसे हम कहते हैं पेमेंट फॉर इंपोर्ट। जो हम चीजें खरीदे उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। एंड फॉरेन सेक्टर का फॉर्म के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी हमने चीज, जो फॉर्म है, जो चीज एक्सपोर्ट किया है, उसके एवज में उसे फॉरेन से कुछ पैसे, जो भी पेमेंट मिलती है उसको वो रिसीव करता है, जिसे हम रिसीव फॉर एक्सपोर्ट। इट मीन्स एक्सपोर्ट से जो भी फॉर्म को रिसीव हुआ है वो रिसीव करता है। और दूसरा फॉर्म क्या करता है, कुछ चीजों को खरीदता है फॉरेन से, इंपोर्ट करता है, जिसके बीच में पेमेंट भी करता है फॉरेन सेक्टर को। तो ये फॉरेन सेक्टर और फॉर्म के बीच का रिलेशनशिप है। तो इस तरह ओवरऑल फोर सेक्टर इन इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो इन फोर सेक्टर इकोनॉमी को हमने समझा है। तो इस तरह ओवरऑल आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि सर्कुलर फ्लो इन सर्कुलर फ्लो इन एन इकोनॉमी, कैसे इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है किसी भी इकोनॉमी में, टू सेक्टर में जब, और इसके अलावा जब टू सेक्टर फाइनेंशियल मार्केट को इंक्लूड करते हैं तब कैसे रिलेशनशिप होते हैं, एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, एंड फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। ये सारे रिलेशनशिप को हमने डिस्कस किया आज के वीडियो लेक्चर में। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसमें समझेंगे कि इस टॉपिक में लीकेज एंड इंजेक्शन क्या है। तो ऐसे ही हमारे क्लास के साथ जुड़े रहे आप, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड तक इसे शेयर करें। और अब तक देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ नाइस डे।